हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोरस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर अंगूठे वाली लेडीज जुराब बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई। फ्रेंड्स, ये जुराब देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कि ये जुराब कैसे बनाई गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जुराब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और 10 नंबर की मैंने यहाँ पर सिलाई ली हुई है। तो ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो। और जुराब बनाने के लिए हम सिलाई 10 नंबर की ही यूज करेंगे, ऊन चाहे आपकी कोई भी हो। यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं 21 फंदे, तो आपकी ऊन चाहे कोई भी हो। सिंगल धागे से आप यहाँ पर 21 से 22 फंदे डाल लीजिएगा। और फंदे सिंगल धागे के ही रखने हैं, डबल धागे के नहीं रखने हैं, क्योंकि डबल धागे से यहाँ पर ये जो चैन है ये मोटी हो जाएगी और यहाँ एडी की जो हमें सिलाई करनी होती है यहाँ फिर अंदर की साइड ये चुभेगी। तो सिंगल धागे से यहाँ पर मैंने 21 फंदे डाले हुए हैं, आप 21 से 22 फंदे डाल लीजिए। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयां बनाते हुए इसमें मैंने 31 सिलाइयां कंप्लीट की हैं। तो आप फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयां बनाते हुए इसमें 31 सिलाइयां कंप्लीट कर लीजिए। 31 सिलाइयों में ये 15 लाइनें हमारी पूरी आ जाएंगी और 16वीं लाइन देखिए सिलाई पर ये हमारी आधी है। अब देखिएगा 32वीं सिलाई है और उल्टी साइड है, यहाँ पर मैंने अपना ये सेकंड कलर ज्वाइंट कर लिया है। अब इसमें हम यहाँ पर जैसे ये शॉर्ट रोज की गई हैं तो अब हम ये शॉर्ट रोज करेंगे। तो 21 फंदे में से 18 फंदे मैं वाइट कलर से बुन लेती हूँ। तो धागा अपनी तरफ करके मैं 18 फंदे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 18 फंदे मैंने इसमें बना लिए हैं और 3 फंदे अब हमने ये छोड़ दिए हैं। अब शॉर्ट रोज करने के लिए ये 3 फंदे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और सीधी साइड से भी ये जो 18 फंदे हैं इनको उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं इस सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट रोज की हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी साइड पर, व्हाइट कलर को छोड़ देंगे और ये जो हमने सेकंड कलर है ये जिससे हमने ये वाला पार्ट बुना है इसी को लेंगे। और ये जो 18 फंदे मैंने व्हाइट कलर से बनाए हैं इसमें से अब मैं 14 फंदे बनाऊंगी, 4 फंदे इसमें से भी छोड़ दूंगी। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, पहले हमने ये 3 फंदे छोड़े थे, अब व्हाइट वाले हम 4 फंदे छोड़ देंगे, 14 फंदे बना लिए हैं। यहीं से हम टर्न कर जाएंगे धागे को अपनी तरफ करके और सीधी साइड से यही 14 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर से आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर, अब इस वाले धागे को ऐसे छोड़ देंगे और अपने व्हाइट कलर को लेंगे। ये जो 14 फंदे इसमें से बनाए हुए हैं इसमें से अब हम 10 फंदे बनाएंगे, 4 फंदे इसमें से भी छोड़ देंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये देखिएगा, ये 4 फंदे हमने फिर से छोड़ दिए हैं और यहीं से टर्न कर जाएंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और सीधी साइड से ये 10 फंदे फिर से हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने शॉर्ट रोज की हैं इनको आप ध्यान से देखते जाइएगा क्योंकि आगे हमें इन्हीं को रिपीट करना है। तो ये देखिएगा, अब हमने पहले 3 फंदे छोड़ दिए थे, फिर व्हाइट में से 4 छोड़ दिए, फिर इस मल्टी वाले में से 4 छोड़ दिए और अब हमने ये 10 फंदे बुने हैं। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर, हम अपना ये फर्स्ट वाला कलर लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारे 21 फंदे हैं सारे के सारे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब आ जाइए सीधी साइड पर, सीधी साइड से भी इस सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं इस सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट रोज से इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया है और यहाँ से यहाँ तक हमने जो ये पार्ट बनाया है इस तरह के, अब हमें ये जो अंगूठा और उंगली का हमने पार्ट किया है 10 पार्ट इधर बनाए गए हैं और 10 पार्ट इधर बनाए गए हैं।
तो इसी तरह के अब इसमें 10 पार्ट कंप्लीट करने हैं, तो एक बार मैं आपको एक पार्ट पूरा बुन के और बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ से अब हम अपना ये वाइट कलर लेंगे और 21 में से 18 फंदे बुन लेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 18 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 18 फंदे मैंने बुन लिए हैं और ये वाले 3 फंदे छोड़ दिए हैं, जैसे कि यहाँ से हमने जो स्टार्ट किया तब किया था। यहीं से टर्न करेंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये 18 फंदे सीधी साइड से भी उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। सीधी साइड की सिलाई बन चुकी है, अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर वाइट कलर को छोड़ देंगे और अपना ये फर्स्ट वाला कलर लेंगे। ये जो 18 फंदे हैं इसमें से अब हम 14 फंदे इस कलर से बुन लेंगे और धागा अपनी तरफ करके और उल्टा उल्टा बुनते जाना है और 14 फंदे बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने 4 फंदे छोड़ दिए हैं, 14 बना लिए हैं। अब इसे हम यहीं से टर्न कर जाएंगे, ये 4 फंदे छोड़ दिए हैं, धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और यही 14 फंदे उल्टे उल्टे बुनकर इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिर से आज ये उल्टी साइड पर इस वाले कलर को छोड़ देंगे, वाइट कलर लेंगे और ये जो 14 फंदे बनाए हैं इसमें से अब हम 10 फंदे बनाएंगे और 4 फंदे आगे छोड़ देंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो देखिए 4 फंदे मैंने फिर से छोड़ दिए हैं और यहीं से टर्न कर जाएंगे और यही 10 फंदे सीधी साइड से भी उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, अब आ जाइए उल्टी साइड पर। अब हम अपना ये फर्स्ट वाला कलर लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 21 फंदे हैं इनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो पूरी सिलाई को अब हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया है और सीधी साइड से भी अब ये जो 21 फंदे हैं इनको उल्टा उल्टा बुनकर इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें शॉर्ट रोज करते हुए 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 और फिर यहाँ से यहाँ तक 2। ऐसे ही अब इसमें मैं 8 पार्ट और बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 पार्ट बनाए गए हैं और फिर बीच में ये अंगूठे का कट लगा के 10 पार्ट हमने बाद में बनाए हैं। तो अब मैं इसमें 8 पार्ट और कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका ये वाला पार्ट बुनना बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से शॉर्ट रोज करते हुए मैंने इसके 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके 10 पार्ट आप कैसे गिनेंगी, देखिए ये जो व्हाइट वाली लाइन यहाँ तक गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी हमारे 10 पार्ट इसमें कंप्लीट हो गए हैं और ये जुराब हमारी यहाँ तक बन के तैयार हो गई है। अब हमारे पास ये जो 21 फंदे हैं इसमें से हम यहाँ पर 11 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे, तो इस तरह से एक पार्ट इधर हो जाएगा और एक पार्ट हमारा इधर हो जाएगा। ये जो हमारी जुराब का पेयर है, ये बिल्कुल दोनों जुराब एक समान बनेंगी। इस जुराब को आप दाएं या बाएं किसी भी पैर में पहन सकती हैं, इसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। तो अब इसके 10 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो ये जो 21 फंदे हैं इसमें से हम 11 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये देखिए, 2 फंदे का एक करेंगे और इस फंदे को हम इतना लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेंगे और फिर से 2 फंदे का एक कर देंगे, फिर से लूज रखेंगे और अगले वाले फंदे के साथ लेकर 2 का एक कर देंगे। ऐसे करते हुए इसमें हम 11 फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 11 फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं, 9 फंदे हमारे यहाँ पर हैं और एक फंदा ये सिलाई में है, यानी टोटल 10 फंदे बचे हुए हैं। आगे के जो 9 फंदे हैं इन्हें भी हम इस तरह से उल्टा बुनते हुए इस सिलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 10 फंदे हमने बना लिए हैं। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर और ये जो 10 फंदे हैं इन्हें हम सीधी साइड से भी उल्टा बुन लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब देखिए, हमने ये जो 11 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ किए हैं, यही 11 फंदे अब हम यहाँ पर वापस से बना लेंगे। फंदे कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे टर्न करेंगे और ये जो फंदा है इस फंदे में से हम इस तरह से एक फंदा बना लेंगे और इस फंदे को हम सिलाई पर डाल देंगे और अब इस फंदे में से एक फंदा बनाएंगे,
इसे हम ऐसे सिलाई पर लेंगे और फिर से हम एक फंदा ऐसे बना लेंगे। इसको हम यहाँ पर लेंगे और ये जो यहाँ से धागा जा रहा है इसे थोड़ा सा लूज रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं होने देना है। फिर से एक फंदा बनाएंगे और इसे सिलाई पर डाल देंगे। इसमें से एक फंदा बनाएंगे और इसको हम यहाँ ले लेंगे। इस तरह से करते हुए अब हम इसमें ये पूरे 11 फंदे ऐसे ही बना लेते हैं। ऐसे ही बनाने, देखिए इस फंदे को इस पर लेंगे और इसमें से एक फंदा ऐसे बुन के और इसको वापस सिलाई पर डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरे 11 फंदे यहाँ पर बना लिए हैं। टोटल हमारे पास फिर से 21 फंदे आ गए हैं। और अब हम ये जो हमारे पास 21 फंदे हैं, 11 हमने बनाए हैं, 10 पहले से थे, इस सिलाई को इस तरह से उल्टा उल्टा बुनकर हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये उल्टी साइड की सिलाई है और इसे हम इस तरह से उल्टा बुनते जाएंगे और पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। उल्टी साइड से सिलाई को हमने बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड से भी इस सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और सीधी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से मैंने इस सिलाई को बुन लिया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारी ये वाली लाइन बनी हुई है, ठीक ऐसे ही हमारी यहाँ पर ये लाइन आ गई है। जब हमने यहाँ से शॉर्ट रोज करना शुरू किया था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 18 फंदे बुनकर कंप्लीट किए थे। अब देखिए यहाँ पर एंड हमारा इस वाली शॉर्ट रोज पर हुआ है। तो यहाँ से अब हम सेम उल्टा चलेंगे, जैसे हम यहाँ से इधर चले थे ऐसे नहीं बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए, पहले ये कम वाली फिर ये ज़्यादा वाली आएगी। ऐसे हमने शॉर्ट रोज करते हुए आगे बढ़ना है ताकि हमारे जो पार्ट हैं वो बिल्कुल इस तरह से सेम सेम बने। तो यहाँ पर मैं इसमें सेकेंड कलर ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने अपना वाइट कलर ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमारी शॉर्ट रोज है ये 10 फंदे की है, तो अब हम वाइट कलर से 10 फंदे बुन लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये 10 फंदे बुनने के बाद अब हम यहीं से इसमें टर्न कर जाएंगे, धागा अपनी तरफ करके ये 10 फंदे सीधी साइड से भी उल्टे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब ये फंदे बुनने के बाद देखिए, अब हम फिर से अपना ये पहले वाला कलर लेंगे उल्टी साइड से। वाइट वाले को हम इस तरह से छोड़ देंगे और इस कलर को लेंगे। और अब हम इसमें 4 फंदे आगे बढ़ जाएंगे, तो 10 थे तो अब हम 14 बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब हम 4 फंदे आगे के और बुन लेंगे। ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ से बुनना स्टार्ट किया तब हम 4 फंदे छोड़ रहे थे, अब यहाँ से बुनना शुरू कर रहे हैं तो 4-4 फंदे आगे बढ़ रहे हैं। यहीं से टर्न कर जाएंगे और ये जो 14 फंदे सीधी साइड से हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब आ जाइए इसमें उल्टी साइड पर और अब हम फिर से अपना ये वाइट कलर लेंगे। इससे हमने 14 फंदे बनाए थे, 4 फंदे हम आगे और बढ़ जाएंगे तो वाइट कलर से हम 18 फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 और 4 फंदे हम आगे और बढ़ेंगे। देखिए 1, 2, 3 और ये 4। तो देखिए फ्रेंड, लास्ट में हमारे सिर्फ 3 ही फंदे बच गए हैं। यहीं से हम टर्न करेंगे, धागा अपनी तरफ करके ये जो 18 फंदे हैं इनको हम सीधी साइड से भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब आ जाइए इसके उल्टी साइड पर। वाइट कलर को हम ऐसे लेंगे और फर्स्ट वाले कलर से यहाँ तक लेकर ये जो 21 फंदे हैं इन्हें पूरा उल्टा उल्टा बुन देंगे। फिर सीधी साइड से भी हम यहाँ तक उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक बार की इसमें शॉर्ट रोज कंप्लीट हो गई है।
यहाँ से लेकर देखिए यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी सेम सेम हम बैक जा रहे हैं। इसी तरह से करते हुए अब इसमें 9 बार हमने शॉर्ट रोज और बनानी है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा और बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए यहाँ से हम अपना व्हाइट कलर लेंगे और 10 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इसमें से 10 फंदे बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, 10 फंदे मैंने बना लिए हैं, यहीं से टर्न कर जाएंगे और सीधी साइड से ये 10 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब आ जाइए उल्टी साइड पर, यहाँ से हम अपना ये फर्स्ट वाला कलर लेंगे, 10 फंदे ये वाइट वाले हैं और 4 फंदे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 14 फंदे मैं अब इस कलर से उल्टे उल्टे बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, 10 फंदे यहाँ तक वाइट थे, 4 हम आगे बढ़ गए, यहीं से टर्न करेंगे और सीधी साइड से यही 14 फंदे उल्टे उल्टे बुन देंगे। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर और यहाँ से हम फिर से अपना वाइट कलर लेंगे, इसे इधर कर देंगे और अब हम वाइट कलर से 18 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। 21 में से 3 हमारे लास्ट के बच जाएंगे और 18 हम बना लेंगे। तो ये देखिए 3 फंदे बच गए हैं, 18 तक बुन लिए हैं, यहीं से टर्न करेंगे और सीधी साइड से ये 18 फंदे उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, सीधी साइड से मैंने ये 18 फंदे बना लिए हैं। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर, अब हम फिर से अपना ये फर्स्ट वाला कलर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे, फिर सीधी साइड से भी हम उल्टा उल्टा बुनकर इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें अब ये 2 बार की शॉर्ट रोज हो चुके हैं। तो मैं 8 बार की शॉर्ट रोज और करने के बाद फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो हमने 31 सिलाइयाँ बनाई हैं, जिसमें हमारी ये 15 लाइनें पूरी हुई थी और 16वीं आधी थी, तो मैं 31 सिलाइयाँ आगे बना के फिर ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो मैं इसे जितना पार्ट इधर यहाँ से और यहाँ तक का है इतना ही हमें आगे कंप्लीट करके और फिर आपको इसमें बताती हूँ कि इसकी सिलाई कैसे करनी है और इसमें जो चैन बनाई गई है ये कैसे बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इस जुराब को बुनना शुरू किया था और हम ऐसे बुनते हुए आए थे, तो इधर का जितना ये पार्ट है इतना ही मैंने ये इधर का बुन लिया है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई कैसे करनी है ये देखिए, एक पार्ट इधर का है और एक इधर का है। तो सबसे पहले हम उंगली अंगूठे के लिए हमने ये जो 2 पार्ट किए हैं इसकी सिलाई करेंगे। इसके लिए देखिएगा, ये जो कोना है इस कोने को इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा ऐसे, और यहाँ से सिलना शुरू कीजिए और यहाँ तक इसे सिल दीजिए। फिर इधर वाला जो ये कोना है इसे भी ऐसे ही फोल्ड कर लीजिएगा और यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक इसकी सिलाई कंप्लीट कर दीजिए। तो उंगली और अंगूठे के लिए ये दोनों पार्ट इसके अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इधर से हम इसे सिलना शुरू करेंगे। यहाँ पर अगर धागा लंबा होगा तो एक ही धागे से सिल जाएगा, नहीं तो छोटा होगा तो पहले यहाँ तक इस धागे से सिल दूंगी और नेक्स्ट आगे धागा ज्वाइंट कर लूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे तो यहाँ से इसकी सिलाई अच्छी आएगी, फिनिशिंग आ जाएगी, और अगर हम यहाँ से सिलते हुए यहाँ पर एंड करेंगे तो यहाँ फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक और फिर इसके यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है। तो मैं इसकी सिलाई ये कम्प्लीट कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जुराब की सिलाई इस तरह से हो गई है। अब ये जो इसका एरिया है ये काफ़ी ओपन लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमने ये शॉर्ट रोज करना शुरू की थी, तो ये वाइट वाली लाइन गिनेंगे, 1, 2 और ये 3। 3 लाइन हम इधर से छोड़ देंगे और ये देखिएगा आप इसमें अंदर वाली साइड से 1, 2 और ये 3 छोड़ के यहाँ से पहले इस सुई को ऐसे निकाल लीजिए ताकि ये जो धागा है ये आपका अंदर की तरफ ही रहे और इसको ऐसे पकड़ लेना है। अब ये देखिएगा 1, 2 ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे ये जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है इन लाइनों में ऐसे सुई को निकाल देना है। फिर आगे ये देखिएगा, इससे आगे ये जो लाइन है बिल्कुल इसके ऊपर से आपने ऐसे सुई डाल लेनी है और एक एक करके आप जितनी लाइन में डाल सको उतनी में एक साथ डाल सकते हैं। अभी हम धागे को खींचेंगे नहीं और ऐसे करके आपने इसको निकाल देना है और ये वाला धागा अब नहीं छूटेगा, इसे छोड़ दीजिए बेशक। और अब यहाँ से देखिए
ऐसे डाल लीजिएगा इसी वाले में, फिर इसमें और इसमें ऐसे निकाल दीजिएगा। इधर से भी हमने ये वाली तीन लाइन छोड़ देनी है और बाकी सभी लाइनों में हम ऐसे करके और निकाल देंगे। तो ये देखिए ऐसे हमने इसको निकाल दिया है और इसे ये देखिएगा सिर्फ तीन लाइनें बची हैं, एक दो और ये तीन। नीचे की तरफ सुई को हम ऐसे ले लेंगे और ये जो धागा है इसे हम बिल्कुल ऐसे यहाँ पर खींच देंगे और खींच के इस वाले की और इस वाले की नीचे की तरफ हम दो से तीन टाइट नॉट लगाएंगे जिससे हमारा ये पार्ट यहाँ से कम हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, नॉट लगाने के बाद इसकी जो शेप है वो कुछ ऐसे आई है। अगर आपको यहाँ से ये देखिए अभी फ़िलहाल बिल्कुल सही आ गई है, लेकिन फिर भी अगर लगे तो सुई से एक बार इस तरह से जो भी आपको ऊपर उठा हुआ हिस्सा लगे उसमें से ऐसे निकाल दीजिए और टाइट कर दीजिए और फिर अंदर की तरफ ले जाकर और यहाँ पर इसे पक्का करके काट दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो हमारा बहुत ही ओपन एरिया लग रहा था वो भी कम हो गया है, जो पंजे की लेंथ थी वो भी ज़्यादा हो गई है। अब आप चाहो तो इसे ऐसे ही पहन सकती हैं, आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी फ्लावर बना के लगा सकती हैं, या फिर जैसे मैंने ये क्रोशिए से इसमें चैन बनाई हुई है ये बना सकती हैं। अब ये चैन मैंने कैसे बनाई है ये भी आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना ये व्हाइट कलर का धागा ज्वाइंट कर लिया है, 9 नंबर का मैंने ये क्रोशिया लिया है और अब हम यहाँ से ये चैन बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम क्रोशिया लेंगे और इस धागे को ऐसे ले आएंगे और अब हम यहाँ पर दो चैन बनाएंगे, देखिए एक और ये दो। दो चैन बनाने के बाद क्रोशिए पर ऐसे धागा लेंगे और इस वाले होल में एक बार फिर से डाल के और हम ऐसे बुन लेंगे और फिर हम ये जो जितने भी हमारे पास फंदे हैं इनके बीच में से ऐसे करके इसको निकाल देंगे। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो गई है, ये देखिए एक और ये देखिएगा दो चैन बनाइएगा, क्रोशिए पर धागा लीजिएगा इसी होल में जिसमें हमने पहले डाला है उसमें क्रोशिया डाल के इस तरह से ले आइएगा। अब हमारे पास तीन फंदे हैं, तीन में से हम दो बुनेंगे, इस तरह से ले आएंगे और ये हम दो में से निकाल देंगे, फिर हम दोबारा से दो में से निकाल देंगे। अब ये जितना लंबा ये है इसको यहाँ पर ले जाकर ऐसे करके अटैच हम कर देंगे। ये बिल्कुल आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहो तो ये चैन बना सकती हैं, आप नहीं चाहो तो इसमें ना बनाइए। तो अटैच करने के बाद फिर से दो चैन बनाएंगे, देखिए एक और ये दो। दो चैन बनाने के बाद क्रोशिए पर धागा लेंगे, उसी होल में हम इस तरह से क्रोशिया डाल के और इसको बुन लेंगे। अब तीन हैं, तीन में से हम दो को बुनेंगे, फिर दो को बुनेंगे, फिर से हम क्रोशिए पर धागा लेंगे, इसी में डाल लेंगे और ऐसे बुन लेंगे और फिर हमारे पास ये तीन हैं, तीन में से दो को ऐसे बुन लेंगे, फिर से हम दो को बुन लेंगे। और ये देखिएगा, अगर आपको इससे बड़ी ये लूप चाहिए तो एक बार फिर से बुन सकती हैं, मैंने इतनी ही रखी हुई है। तो फिर हम इसको जितना ये यहाँ पर अटैच होगा वहाँ पर ले जाकर इस तरह से लेंगे और यहाँ इसे अटैच कर देंगे। एक लूप और आपको बना करके दिखा देती हूँ, इन दो में से देखिए ऐसे बुनेंगे, दो चैन बनाएंगे, एक और ये दो। फिर क्रोशिए पर ऐसे धागा लेंगे और इसी होल में ऐसे डाल के हम एक फंदा ऐसे बुन लेंगे। तो क्रोशिए पर तीन फंदे हैं, तीन में से हम दो को बुन लेंगे, फिर दो बच्चे हैं, फिर से धागा लेंगे और दो को ऐसे बुन देंगे, फिर से ऐसे लेंगे, इसी में ऐसे डाल के हम क्रोशिए से ऐसे बुन लेंगे। तीन फंदे हैं, तीन में से पहले दो को बुन लेंगे, फिर दो को बुन लेंगे, ऐसे करते हुए ये सारी लूप बनाते जाना है और आगे आगे इसे अटैच करते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करते हुए मैंने राउंड में बना लिया है। ये जो लास्ट की लूप है यहाँ पर जो हमने बुनना शुरू किया था इसी होल में डाल के और इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे और अब एक बार निकाल के फिर नीचे ले जा करके इसे पक्का कर देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये सुंदर सा अंगूठे वाली जुराब का पेयर बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये जुराब पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।